जेपी पांडे जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, जेपी पांडे जैसा हो, आंदोलनकारियों का नेता कैसा हो, जेपी पांडे जैसा हो, आंदोलनकारी रूठेगा, प्रदेश टूटेगा, आंदोलनकारी रूठेगा, प्रदेश बता दूं कि पूरे उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारी जितने भी संगठन हैं उनमें चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति एक ऐसा संगठन है जो रजिस्टर्ड संगठन है और इसमें 20 संगठन अब तक विलय कर चुके हैं। 5 नवंबर को यहां पर 2017 से लगातार अनशन चल रहा है। 69 लोग जो है जो उनकी लिस्ट थी उन पर जो है सरकार के द्वारा कोई गौर नहीं किया गया और वो लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर हमारे यहाँ पर जनपद उद्धम सिंह नगर के जिलाध्यक्ष दिगंबर सती जी के नेतृत्व में यहाँ पर लगातार जो है 157 दिन से यहाँ पर अनशन चल रहा था। आज हमने जो है इन सब की मांग पर यह अनशन स्थगित किया है और सरकार को इस पर चेतावनी दी है कि अनशन स्थगित हो रहा है, इसको जो है समाप्त नहीं किया जा रहा है। मैं आपको यह भी जानकारी दे दूँ कि हमारा 30 तारीख को जनपद उत्तरकाशी के मोरी में हमारा समिति का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी उस सम्मेलन में आए थे और आधा घंटा उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों को संबोधित किया था। हमने उसमें एक ज्ञापन दिया था कि सितारगंज में 5 नवंबर से जो अनशन चल रहा है उसमें आप एक प्रतिनिधि भेजकर उनकी समस्याओं को निराकरण करें। तदनुसार हमने मुख्यमंत्री जी को 15 दिन का समय दिया है और 16 तारीख को हमने 16 अप्रैल को एक विशाल जनसभा पूरे प्रदेश की हमने जो है देहरादून के शहीद स्थल पर बुलाई है और उसमें हम निर्णय लेंगे कि हमें आगे क्या करना है। अगर जो है लिस्ट जारी नहीं हुई और 10% क्षतिज आरक्षण का मुद्दा जो है जिस तरीके से हाई कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकार चाहती है कि अपने राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षतिज आरक्षण देना चाहती है तो दे सकती है, तो वो 10% क्षतिज आरक्षण, एक समान पेंशन, वर्तमान में किसी को 10,000 रुपये पेंशन मिल रही है, किसी को 5,000 मिल रही है, किसी को 3100 रुपये मिल रही है, एक समान पेंशन आदि प्रमुख हमारी जो 11 सूत्री मांग है उन पर हम जो है 16 तारीख को जो प्रदेश मुख्यालय देहरादून में जो विशाल जनसभा 11 बजे होगी उसमें हम लोग निर्णय लेंगे। और निश्चित तौर पे हम यह सरकार को स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि अब राज्य आंदोलनकारी सब्र के मूड में नहीं है। जब तक राज्य आंदोलनकारियों की मांगें पूरी नहीं हुई, जब तक ये लिस्टें जो अधूरी पड़ी हुई हैं, जो अभी तक जारी नहीं, जिनको प्रमाण पत्र नहीं मिले, वो उनको प्रमाण पत्र नहीं दिए गए, तो समिति जो है अब बहुत बड़ा उग्र आंदोलन प्रारंभ कर दिया है। हाँ, 157 दिन से जो हमारा अनशन चल रहा है उसको आज हम तमाम लोगों ने विचार विमर्श करके आज स्थगित कर रहे हैं और 16 तारीख को हम देहरादून कूच करेंगे और उसके बाद वहाँ समिति द्वारा केंद्रीय पदाधिकारियों द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद जो है आगे की रणनीति हमारी देहरादून में तय की जाएगी और उसके बाद आगे की रणनीति पे हम विचार करेंगे और लगातार इस आंदोलन को फिर हम आगे चलाएंगे।